ये हरी झंडी दिखा दी गई है। गोड्डा से दिल्ली के लिए आज से दिल्ली गोड्डा एक्सप्रेस का हुआ शुभारंभ। हर बुधवार को गोड्डा से खुलकर ट्रेन सीधी जाएगी दिल्ली। दिल्ली के लिए गोड्डा को मिला दूसरा साप्ताहिक ट्रेन। इसी के साथ ही अब गोड्डा स्टेशन से 14 ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। सांसद निशिकांत दुबे के प्रयास का फल ही कहेंगे कि एक के बाद एक ट्रेन गोड्डा वासियों के लिए परिचालित हो रही है। सालों से गोड्डा में ट्रेन चले यह सपना देखा जाता रहा था। पूर्वजों के इसी शौक को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के प्रयास ने सच कर दिया है। बता दें कि सांसद निशिकांत दुबे का कहना है, यह मोदी जी की सरकार है, यहाँ हर व्यक्ति के लिए बेहतरी सोचा जाता है। और जब गोड्डा वासी लगातार हम पर प्यार की बारिश कर रहे हैं तो यह हमारा भी कर्तव्य है कि हम उन्हें बदले में उपहार दें। ट्रेन वह उपहार है जिसकी अभिलाषा दशकों से गोड्डा को थी। आपको बता दें, महज 2 साल के भीतर गोड्डा स्टेशन से 14 ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। यहाँ से दिल्ली, कोलकाता, रांची और पटना जैसे बड़े शहरों को भी ट्रेन से जोड़ा जा चुका है। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर प्रयागराज, DDU, गया, कोडरमा, न्यू ग्रेडी, मधुपुर, जसीडी, देवघर के रास्ते दिल्ली और गोड्डा के मध्य चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन में एक प्रथम वातानुकूलित श्रेणी होगी। द्वितीय एवं तृतीय वातानुकूलित श्रेणी के 2-2 और तृतीय वातानुकूलित इकोनॉमी श्रेणी के 4 शयनयान श्रेणी यानी कि स्लीपर, 6 एवं साधारण श्रेणी यानी जनरल के 4 कोच होंगे। इससे पहले गोड्डा के हमसफर एक्सप्रेस दिल्ली के लिए परिचालित होती रही है। जी दिल्ली जा रहे हैं। कैसा लग रहा है गोड्डा से? ये 14वां ट्रेन है जी। क्या कहिएगा, अब विकास हो रहा है हमारा गोड्डा? बहुत विकास हो रहा है हमारे लिए, तो बहुत बढ़िया कहने का बात है, खुशी का बात है कि ट्रेन दिल्ली के लिए जनरल भी दे दिया है। देखो पूरा सीट खाली मिला है हम लोग को। हाँ पूरा सीट खाली मिला हुआ, बहुत आनंद से जाएंगे। पहली बार खुल रही है बहुत, इसके लिए क्या कहेंगे? सर खुल रही है, बैठ। हाँ गोड्डा से सीधा दिल्ली, दिल्ली से अपना सीधा घर। और यहाँ झंझट भी नहीं है, सीधा यहाँ खाली भी है, सीट भी खाली है, कोई भरा हुआ नहीं है। जनरल बोगी है क्या? जनरल बोगी है। पहले अगर दूसरा स्टेशन में चढ़ते तो ऐसा स्थिति नहीं होता? नहीं नहीं, पूरा पूरा भीड़। क्या बोले? लग नहीं रहा कि जनरल वाला, लग रहा है रिजर्वेशन है। आपको भी लगा कि रिजर्वेशन वाला ही है, सेकंड क्लास वाला है। और बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? सरकार के लिए क्या कुछ? बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए बहुत इतना सुविधा किया है।